बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड द फर्स्ट डिग्री चैप्टर से है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन का ऑर्डर है वह फर्स्ट है, यानी एक ही बार डिफरेंशिएशन हो रहा और इसकी पावर भी 1 है। सॉल्व 4x प्लस 6y प्लस 5 अपान 3y प्लस 2x प्लस 4 dy / dx इज इक्वल टू 1। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम इस प्रॉब्लम को लिखेंगे, हम उसके बाद अगली स्टेप में हम यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो dy ओवर dx की वैल्यू हो जाएगी, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हुए इनको जब राइट हैंड साइड में बचाएंगे तो जो डिनोमिनेटर है वो तो न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा, यानी 3y प्लस 2x प्लस 4, और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 4x प्लस का 6y प्लस का 5। अब हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दें कि वेरिएबल को अलग लिख दें, यानी यहाँ पर और x को भी पहले लिख दें। ये 2x प्लस का 3y वेरिएबल है और 4 कांस्टेंट को हम यहाँ पर अलग करके लिख देते हैं, और इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो देख रहे हैं कि बचेगा हमारे पास 2x प्लस का 3y, और ये देख रहे हैं दोनों सेम हो गए हैं, और प्लस 5 को यहाँ पर अलग कर दिया। इससे हम वेरिएबल को चेंज कर लेंगे, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो y है उसको हम दूसरे वेरिएबल में बदल लेंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू को फिर पुट करेंगे। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पर इस 2x प्लस 3y को एक दूसरा वेरिएबल मान ले रहे हैं, इससे क्या होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल y का रोल चेंज हो जाएगा, वो v अदा करने लगेगा, यानी हमने मान लिया 2x प्लस 3y को b के बराबर मान लिया, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू एक्स का तो 1 हो जाएगी डिफरेंशिएशन, 3 इंटू वाई का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy ओवर dx हो जाएगा, और v का dv ओवर dx हो जाएगा। हमें इक्वेशन नंबर 1 जो हमने माना तो वहाँ पर dy ओवर dx की वैल्यू को की ज़रूरत होगी, इसे फाइंड करने के लिए 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो dv ओवर dx माइनस 2 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड कर देंगे तो dy ओवर dx की वैल्यू हम रख सकेंगे इक्वेशन नंबर 1 में इतनी dv ओवर dx माइनस का 2। तो ये सारी वैल्यू हम जब रखेंगे दैट दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन नंबर जो अभी हमने लास्ट में डाला था, यानी इक्वेशन वन में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू dy ओवर dx है वहाँ पर, तो 1/3 dv ओवर dx माइनस 2 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है। तो इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए, यहाँ पर इसको हमने v माना था तो v प्लस 4 अपान 2v प्लस 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, यानी ये वैल्यू हो जाएगी बी प्लस का 4 अपान 2v प्लस का 5। अब इस 2 को पहले तो हम इस 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी उस तरफ ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा dv ओवर dx माइनस 2 की वैल्यू, और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करने पर न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3v प्लस का 12 हो जाएगा, अपान में 2v प्लस का 5 होगा। इस 2 को भी राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लें, हम इस तरीके से इसको बनाना चाह रहे हैं कि वेरिएबल को सेपरेट कर सकें, यानी वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल को सेपरेट करना होगा हमें यहाँ पर। अब यहाँ पर एलसीएम जब यहाँ पर ले लिया जाएगा 2v प्लस 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3v प्लस 12 प्लस 2 टाइम्स 2v प्लस 5। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो आ जाएगा 3v प्लस 12 प्लस का हो जाएगा 4v प्लस का 10 अपान में 2v प्लस का 5, ये वैल्यू हो जाएगी dv ओवर dx। अब v को यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7v और प्लस का 22 अपान में 2v प्लस 5 dv ओवर dx। अब यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, यानी हम dv की तरफ v वाले टर्म्स को फैक्टर्स को ले जाएंगे तो इनको उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2v प्लस 5 अपान में आ जाएगी ये 7v प्लस का 22, और ये आएगा इस dv के साथ, और dx को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अब दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना होगा, तो दोनों साइड यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे और
इस तरह जिस तरीके से हमें डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है, ऐसा हम यहाँ पर न्यूमरेटर में करने की कोशिश करेंगे। यानी ये 7b है तो ऊपर भी, यानी ये दोनों पावर जब इक्वल है तो हमें डिवाइड करना है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन यहाँ पर करना है। तो जितनी पावर, नहीं, दोनों पावर बराबर हैं मतलब इक्वल हैं, तो डिवाइड करने का एक तरीका ये भी है कि हम इसको जैसा कि नीचे है वैसा ऊपर बना दें। तो इसलिए हम पूरी इक्वेशन को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 14v प्लस का 35 हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है आप इस तरीके से करें, डिवाइड करने का जो तरीका है वो भी कर सकते हैं 7b। और अभी हम ये चाह रहे हैं कि जैसा डिनोमिनेटर में ऐसा ही न्यूमरेटर में हम बना दें, और इस तरीके से हमारा आ जाएगा। फ़िलहाल हमने दोनों तरफ न्यूमरेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया है, ताकि हम यहाँ से जब 7 कॉमन 2 कॉमन लें तो 7v बचे जो कि यहाँ पर है, और प्लस का 22 यहाँ पर आए। और 22 बनाने के लिए यहाँ पर 44 होना चाहिए, 44 करने के लिए हमें यहाँ पर 9 को ऐड करना चाहिए। तो 9 ऐड करेंगे तो 9 को सब्सट्रैक्ट भी करना चाहिए। तो ये सब कुछ डिनोमिनेटर जैसा बनाने के लिए हम अगली स्टेप में यहाँ पर इसको लिख रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में 14 हमारे पास है, और 44 अगर लिखना चाह रहे हैं ताकि वो 22 बन जाए, और इसलिए 9 माइनस किया तो ये 35 भी एक्चुअल में। और अगली स्टेप में हम इसको 7v प्लस 22, क्योंकि इंटीग्रेट करना है तो पावर अगर जो है नीचे इक्वल है तो इसे डिवाइड करना होता है। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को अगर कॉमन लेंगे तो 7v प्लस का 22 आ जाएगा, जो कि हमारा डिनोमिनेटर जैसा आ गया है। माइनस 9 को अलग साइड से कर देंगे और फिर इसको सेपरेट कर लिया जाएगा। db = 7dx। और अब इसको सेपरेट करके लिख दें, हालांकि इंटीग्रेशन करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड इंटीग्रेट करने पर ऑन इंटीग्रेटिंग लिख देंगे, और ये अलग अलग भी कर दें, ये अपान में ये कर लेंगे। तो 2 times 7 7v प्लस 22 अपान में 7v प्लस का 22, ऐसे यहाँ पर 9 अपान में 7v प्लस का 22। और हमें यहाँ पर dv के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर इंटीग्रेट करना जा रहे हैं 7 dx का। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 1 times, और यहाँ पर ओनली हमारे पास 2 बचेगा जिसको हमें इंटीग्रेट करना होगा v के रिस्पेक्ट में। ऐसे यहाँ पर जब इंटीग्रेट करना जाएंगे, 9 तो बाहर ले लेंगे तो 1 बचेगा 7v प्लस का 22, जिसको v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। 7 बाहर ले लेंगे, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं तो 1x हो जाएगा। इसमें भी 2 को अगर बाहर ले लेंगे तो 1 बचेगा dv, और आपको मालूम ही है कि 1x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो उस तरीके से इसको लिख देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो वेरिएबल है यहाँ पर v, उसको कोएफिशिएंट जितना भी होता है उससे हमें डिवाइड करना होता है। तो ये हो गया 7x, और कांस्टेंट को यहाँ पर अभी फिलहाल c- करके लिख देते हैं। और इस 1 का v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन v हो जाएगा, यानी 2v माइनस का 9/7 log ऑफ 7v प्लस का 22 = 7x प्लस का c-। अब हम चाहें तो कि 7 से पूरे इक्वेशन को अगर डिवाइड करेंगे तो 2/7v आ जाएगा, माइनस 9/49 log ऑफ 7v। आंसर यहां पर आ चुका है, बस v की वैल्यू आप करना है, 7 से डिवाइड करना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। इसको हम ये सीरियस कांस्टेंट है 7 कांस्टेंट, इनको एक नया कांस्टेंट c नाम दे देंगे, और यहाँ पर मेन जो वैल्यू है वो v की रखना है। v की जो वैल्यू हम लोगों ने मानी थी उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, v माना था 2x प्लस का 3y - 9/49 है log ऑफ 7, और v की वैल्यू पुट कर देंगे 2x प्लस का 3y है और प्लस का 22, ब्रैकेट क्लोज कर दें, = x प्लस का इसे c, क्योंकि c-7 को हमने c बोल दिया है। अब 7 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये आ गया 2/7 2x प्लस 3y - 9/49 log ऑफ 14x प्लस का 21y प्लस का 22 = x प्लस का सी हो चुका है। और इस तरीके से ये कंप्लीट आ गया हमारा सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।